विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार भारत में हर वर्ष लगभग 12 लाख लोगों की मौत तंबाकू के सेवन से होती है। इसी आंकड़े को देखते हुए नगर निगम के आयुक्त श्री शशि प्रकाश झा ने आज झारखंड के बोकारो नगर निगम में एक टास्क फोर्स समिति का गठन किया है और अपने संबंधित पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की। बैठक में कई जांच समितियों का गठन किया गया जो कि जगह जगह जाकर दुकानदारों की दुकानों की तलाशी लेंगे और जांच करेंगे और जांच करने के बाद यदि दुकानदार दोषी पाए जाएंगे तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यानी तंबाकू निषेध अधिनियम जो है, तंबाकू उत्पाद का विपणन, भंडारण, पैकिंग, प्रसंस्करण, सफाई, विनिर्माण किसी भी विधि द्वारा चास नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत बिना लाइसेंस, बिना अनुज्ञप्ति के, अनुमति के प्रतिबंधित है। और इसके लाइसेंस के लिए एक सबसे बड़ी शर्त यह है कि कोई भी लाइसेंस या अनुज्ञप्ति धारक तंबाकू विक्रेता झारखंड नगर पालिका अधिनियम का सख्ती से अनुपालन करते हुए सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पाद जो कोटपा 2003, खाद्य संरक्षण अधिनियम 2006 एवं बाल विकास मंत्रालय का किशोर न्याय अधिनियम 2015 का उल्लंघन नहीं करेंगे। तंबाकू उत्पाद की दुकानों पर टॉफी, कैंडी, चिप्स, बिस्किट, पेय पदार्थ इत्यादि कोई भी पदार्थ जिसमें कि तंबाकू न हो इसकी बिक्री वो नहीं कर सकते हैं। और इसी के कारण से जो एक्सक्लूसिव तंबाकू के लिए कोई अनुज्ञप्ति नहीं दी जा सकती, दी जाएगी, तो केवल तंबाकू प्रोडक्ट ही जो बेचेंगे उनको वो दिया जाएगा और सख्ती से उसका अनुपालन करना होगा। और इसके लिए हमने टीम भी बना दी है कि वो जा करके देखेंगे कि जो इस नियम का उल्लंघन करते हैं उसे नियमानुसार जुर्माना किया जाएगा। कल नगर निगम चास जो कि बोकारो जिले में स्थित है वहाँ एक बैठक हुई तंबाकू निषेध पर और हमारे नगर निगम आयुक्त महोदय ने इसे सख्ती से पालन करने का निर्णय लिया है। उनकी भावना है कि आज के जो नई पीढ़ी है जो 10 बरस 12 बरस होते ही सिगरेट, तंबाकू या अन्य नशीले पदार्थों का सेवन करने लगते हैं उसी को देखते हुए इन्होंने ये कठोर कदम उठाया है। उन्होंने सारे दुकानदारों को पहले भी हिदायत दी थी और आज भी इस पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए कि यह जो निषेध है तंबाकू निषेध उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगे और बिके तो सिर्फ लाइसेंस वालों ही बेच सके ऐसा इन्होंने कार्यक्रम तय किया है। तो मैं इन्हीं से पूछना चाहता हूं कि क्या क्या इन्होंने कार्यक्रम तय किया है, कैसे दुकानदारों को रोक पाएंगे और क्या लाभ मिलने वाला है यहाँ के बच्चों को और कौन सा कदम ऐसा है जिससे कि युवा पीढ़ी हमारे नशे के लत को न पकड़ें। तो सुरक्षा के लिए जो उपाय किए हैं हमसे मुखातिब हैं श्री शशि प्रकाश झा, नगर निगम आयुक्त चास, जिला बोकारो से। सर, कल जो बैठक हुई है तो उसमें आपने जो संदेश दिया है और नशा मुक्ति की ओर एक कदम बढ़ाया है, क्या क्या मैंने परियोजना है जरा सा बताएंगे कृपया? कोटपा अधिनियम जब से लागू हुआ है तब से इस देश में जो तंबाकू जनित रोग हैं उसमें कमी कुछ आई है, लेकिन जितनी आनी चाहिए वो नहीं आई है। और तंबाकू के सेवन से लाखों लोग जो प्रतिवर्ष हमारे देश में उससे जनित बीमारियों से मर रहे हैं या उनकी उम्र कम होती जा रही है, इसको देखते हुए सरकार ने जो अधिनियम बनाया है उसको लागू करने के लिए चास नगर निगम पूरी तरह कृतसंकल्प है। और इसमें दो बातें बिल्कुल ध्यान रखनी है कि जिस दुकान में तंबाकू या उसके उत्पाद की बिक्री होगी उसमें कोई भी दूसरे पदार्थ जैसे कि पानी हो, पानी का बोतल हो या चाय में ये बिस्किट हो, किसी भी ऐसे तरह की जो सामग्रियां हैं जो कि बच्चे भी जाके लेते हैं तो उसमें इस तरह का सामान बिल्कुल प्रतिबंधित है। यानी तंबाकू उत्पाद केवल वही बेच सकते हैं जो सिर्फ तंबाकू उत्पाद बेचते हैं, वो भी अनुज्ञप्ति प्राप्त करके। तो हमने बिल्कुल सख्त चेतावनी दी है कि कोई भी अगर तंबाकू उत्पाद पाए जाएंगे तो उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी और उनका जो दूसरा लाइसेंस होगा वो भी ट्रेड लाइसेंस रद्द किया जाएगा। और जिनको लेना है वो सिर्फ तंबाकू उत्पाद बेच सकते हैं, वो भी जो उसके नियम हैं
उसके हिसाब से उनको ट्रेड लाइसेंस दिया जाएगा कि वो स्कूल के बगल में ना हो या वैसे जगहों में ना हो जहाँ की बच्चे उससे प्रभावित हों, तो ऐसे जगहों पर तम्बाकू का हम लोग ट्रेड लाइसेंस देंगे। एक बात और, ये लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया क्या है, दुकानदार कहाँ आवेदन देंगे, क्या शुल्क उन्हें देना होगा? वो आप उसके दुकान के साइज पे निर्भर करता है, वो अपना आवेदन देंगे और SPS जो है हम लोगों का श्री पब्लिकेशन आवेदन, वो जाके सीधे नगर निगम में दे सकते हैं और वो अपना लाइसेंस प्राप्त ट्रेड लाइसेंस ले सकते हैं। इसके कुछ शुल्क भी तो निर्धारित होंगे? हाँ, वो शुल्क है, वो शुल्क हमने बताया कि दुकान के साइज के हिसाब से निर्धारित है जी। और एक बात और, मान लिया जाए कि यदि कोई ऐसे में पकड़ा जाता है कि दोनों रखे हुए हैं, तो क्या जुर्माना या सजा के क्या प्रावधान है? उसमें जुर्माना का भी प्रावधान है, सजा का भी प्रावधान है। तो सबसे पहले हम लोग उसको पहली बार में जुर्माना करते हैं, आर्थिक दंड जो 500 रुपये से लेकर के आगे, वो उसके वो भी क्वांटिटी पर डिपेंड करेगा कि वो कितना देंगे, लेकिन मिनिमम 500 रुपये हम लोग जुर्माना करते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ सच्चिदानंद मिश्रा, कैमरामैन नवेंदु कुमार मिश्रा के साथ, P News के लिए, जिला बोकारो से।